हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू रियल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट सेकंड। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि आज इसके आगे हमारा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, वो हम लोग देखेंगे आज। और साथ के साथ हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग एक बार रिविज़न कर लेते हैं, ठीक है? तो रिविज़न कर लेते हैं जिसमें हम फार्मूले लिख देंगे आपको, ठीक है? चलो, तो सबसे पहला फार्मूला देखा था, चाल बराबर दूरी बटे समय था ना। यानी कि हमारा क्या था, ये स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। चलो, उसके बाद दूसरा हमारा था समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि हमारा क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक। और तीसरा था हमारा दूरी बराबर चाल गुणे समय, हमारा क्या था, ये डिस्टेंस, ये हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम, ठीक। और एक देखा था हमने फार्मूला एवरेज टाइम का, एवरेज स्पीड का, सॉरी एवरेज स्पीड का, यानी औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल का देखा था। क्या देखा था हमने, देखा था 2xy होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, बिल्कुल यही फार्मूला देखा था। चलो, जहाँ x और y क्या है, हमारा स्पीड है, जो हमें गिवन स्पीड दिया रहेगा वहाँ पे x और y, ठीक। चलो, तो अब बात करते हैं एवरेज स्पीड का। ये वाला तो उस समय देखा था, एक सेकेंड, ये वाला कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए था, यानी कि नियत चाल के लिए। लेकिन जो हमारा बेसिक फार्मूला था वो था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। इसे क्या कहते हैं, ये हमारा पूरा समय, यानी किसी व्यक्ति द्वारा तय किया गया पूरा दूरी, ठीक है। उसके बाद उसके तय किए गए दूरी में जो लगा हुआ समय है वो नीचे रहेगा, ठीक है। ये हो गया तय की गई दूरी बटे लगा समय, चलो ये हो गया, ठीक। तो अब हमारा जो तीसरा था, जो मैंने अभी बताया, फॉर कांस्टेंट डिस्टेंस के लिए, क्या था हमारा, कांस्टेंट डिस्टेंस यानी नियत दूरी के लिए, ठीक, या निश्चित दूरी के लिए। निश्चित दूरी के लिए क्या था हमारा, 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक। ये हमारे इतने फार्मूले हम लोगों ने कल देखा था। तो आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, तो इसको आप लोग ले लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, फिर उसके बाद इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे ढेर सारे, ठीक है। जो नया कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए हो सकता है नया हो, लेकिन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ध्यान से देखना अच्छे से, और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपके लिए इतने हेल्पफुल होंगे, इतने इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो उससे IERT में स्पेशली इस वाले कॉन्सेप्ट से बनेगा जो आज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलो, तो सबसे पहले देख लेते हैं अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था।
अभी तक हम लोगों ने देखा था कि कांस्टेंट अगर सेम डिस्टेंस है या कांस्टेंट डिस्टेंस है तो हम लोगों ने देखा था फार्मूला, लेकिन अगर अगर डिस्टेंस सेम ना हो तो एक हमारा पॉइंट है, व्हेन डिस्टेंस इज नॉट सेम, सेम और कांस्टेंट। ठीक, इसके कहने का मतलब क्या है, जब हमारा डिस्टेंस सेम ना हो, मतलब दूरी हमारा जो हो वो समान ना हो या फिर नियत ना हो या निश्चित ना हो। ठीक, तो चलो इसमें क्या कहता है, इसमें हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल क्या है, अगर हमारा दूरी निश्चित नहीं है तब हमारा एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगा यही पता करना है। ठीक, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस यानी 10 किलोमीटर दूरी कितने मिनट में, 30 मिनट में कंप्लीट करता है। ठीक, कोई व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर दूरी 30 मिनट में कंप्लीट करता है और वही व्यक्ति 20 किलोमीटर दूरी 40 मिनट में कंप्लीट करता है, यानी 40 मिनट में पूरी करता है, और वही व्यक्ति फिर 10 किलोमीटर कितना चलता है, 10 किलोमीटर हमारा पूरा करता है 20 मिनट में। ठीक, तब इसने पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ठीक, यानी कि कोई एक दूरी तय कर रहा है, ठीक है, यानी अपने घर से मान लो कहीं और जा रहा है, मान लो दिल्ली जा रहा है, तो दिल्ली पहुंचने के लिए उसने इतने इतने किलोमीटर चले और इतने इतने समय में, ठीक, अलग अलग समय में, अलग अलग दूरी अलग अलग समय में, तो औसत चाल क्या हो गई उसकी। तो औसत चाल का फार्मूला हमारा क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो इन तीनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो ये हो जाएंगे 40 डिवाइडेड बाय, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा कितना, 30 40 70 20 90, यानी 90 हो गया। लेकिन ये किस में है, ये मिनट में है, तो मिनट से हमें अगर घंटे में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 40 किलोमीटर में है लेकिन ये मिनट में है, तो मिनट पर आवर करना है, इट मींस यहाँ पर आवर करना है, तो आवर करने में क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें हमें 60 से डिवाइड कर देना है, मिनट से घंटे में करना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, और जब 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ये जीरो जीरो गया। ठीक, अब इसे ऊपर कर देते हैं, ये 4 × 6 होल डिवाइडेड बाई 9, ये गया कितनी बार, ये 2 बार गया, ठीक, और ये गया 3 बार। ठीक, ये कितना हुआ, 80/3, यानी कि ये हमारा कितना हो गया, 80/3 किलोमीटर पर घंटे इस चाल से वो चला। ठीक, ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें क्या था, इसमें हमें दूरी दी थी, टाइम दिया था, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब जो क्वेश्चन है जो मैं ले रहा हूँ, इस बार का अलग क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम न दे करके कुछ और दिया रहेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति था जो कि 15 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर दूरी तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, और वही व्यक्ति 25 किलोमीटर दूरी तय करता है
25 किलोमीटर दूरी तय करता है कितने स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक। और वही व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी तय करता है कितने स्पीड से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक। एक ही व्यक्ति तीन दूरी, यानी कि यहाँ पर जो तीन तरह की दूरी है, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, अलग अलग स्पीड से, यानी 20, 40 और 30 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड हमें अच्छी तरीके से पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। तो हमें यह तो पता चल गया कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है कितना है, 15 + 25 + 50 होल डिवाइडेड बाई, हमें क्या दिया है, स्पीड दिया है, टाइम नहीं दिया है। तो हमें टाइम के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी दूरी बटे चाल होता है समय का फार्मूला, बिल्कुल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमें क्या गिवन है, ये हमें गिवन है स्पीड, और दूरी हमें पता है, ठीक है, दूरी और स्पीड दोनों पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो पहले का जो टाइम है वो कितना लगा है, वो लगा है 15/20, और फिर दूसरे का लगा है 25/40, फिर तीसरे का लगा है हमारा 50/30। अब ये हो गया हमारा टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी पूरी तय की गई दूरी बटे उसमें लगा समय। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारा टोटल, ये हमारा आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये हमारा हो गया 90, ठीक। फिर इसको हम और कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 × 3 गया, फिर ये 4 गया, इस तरीके से सॉल्व करोगे, 5 बार गया, फिर 8 बार गया, ये हो गया हमारा कितना, 10, और ये हो गया हमारा 6, यानी कि इसको फिर काटोगे तो ये हो जाएगा 3 बार, फिर ये जाएगा हमारा 5 बार, ठीक। तो जब हम इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 73/24। अब इसे कैलकुलेट करेंगे ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 90 × 24/73। आप इसे कैलकुलेट कर लोगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटे। तो इतने स्पीड से वो चला है स्टूडेंट्स, ये एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, इतना हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। और कोई है भी तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक। चलो अब ये हो गया कॉन्सेप्ट ख़त्म, अब एवरेज स्पीड की सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गए। अब एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान से देखते रहना, लेकिन बहुत ही सिंपल है, याद रखना, सिंपल भी है और आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। चलो तो हमारा जो नया स्पीड है, यानी कि हमारा जो नया टॉपिक है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक क्वेश्चन और ले लूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए क्योंकि इसमें मिनट और घंटे का थोड़ा फेर बदल है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। ये कह रहा है कि स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से 3 घंटे 20 मिनट तक चलता है, ठीक है। यानी कि हमें स्पीड दिया है कितना, स्पीड यानी चाल दिया है हमें कितना, चाल दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, और कितने टाइम तक, यानी कितने समय तक हमें चलने के लिए कहा है, इसने कहा है 3 घंटे
20 मिनट तक। अगर इतने घंटे इतने मिनट तक चले तो उसके चले गई दूरी यानी हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है, डिस्टेंस यानी दूरी पता करना है। ठीक, अगर दूरी पता करना है तो फार्मूला तो हमें पता है, फार्मूला हमें पता है क्या है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर हमें चाल किस में दिया है, चाल हमें दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, मीटर में और सेकंड में। तो क्या करना पड़ेगा, इसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18/5, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितने हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा। अब मल्टीप्लाइड बाय, अब समय का देखो, समय हमें दिया है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 सही 1/3, ये हो जाएगा आपका वैल्यू। इसे और क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 10/3। ठीक, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, ये हो जाएगा घंटा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ 10/3 लिख सकते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, अगर आपको घंटा दिया है ठीक है और मिनट में दिया है, तो मिनट वाला क्या करेंगे हम लोग, 60 से डिवाइड कर देंगे, फिर जितना आएगा उसको सही में लिखेंगे, यानी कि 3 सही हो जाएगा, और उसके बाद 1/3, ठीक है, 3 सही 1/3, ये 3 3 9 1 10, 10/3 ये हो गया ना हमारा। तो ये गया 5 से 5, और ये हो गया 6 बार गया, तो ये हमारा टोटल कितना आ गया, 60 किलोमीटर चला था। ठीक, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपके हो गए आंसर। चलो, तो अब इसके बाद चलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट में जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, हम इसके बारे में देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या ये कह रहा है कि अगर आप लोग घर से अपने स्कूल या कॉलेज जाते हो, घर से स्कूल या कॉलेज जाते हो, तो घर से जाने में वहाँ पर अगर आप किसी एक्स स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, घर से निकले आप एक्स स्पीड से, और वो आप पहुँचे 5 मिनट लेट या 10 मिनट लेट या फिर कुछ समय बाद पहुंच गए वहाँ पे, यानी आप लेट तो हो गए, तो आपको किस स्पीड से चलना होगा। अगर आप मान लो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से और बढ़ा दिया आपने, तो उसके बाद अगर आप पहुंचते हो अपने स्कूल में, तो आप समय से पहले पहुंच जाते हो। तो आपको ऐसी कोई स्पीड चाहिए या फिर वो दूरी चाहिए आपको, या तो उसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें दूरी बताओ। ठीक, तो पहले दूरी वाला कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है, पहले ध्यान से देखो, ये हो गया आपका घर और ये हो गया आपका स्कूल या कॉलेज, ठीक, यानी विद्यालय। यहाँ से हमें डिस्टेंस पता नहीं है स्टूडेंट, क्या नहीं पता है, डिस्टेंस पता नहीं है, तो मान लेते हैं डी। ठीक, डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, डी, दूरी नहीं पता है। अब हम लोग यहाँ से चले एक्स किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, प्रति घंटा के हिसाब से चले। अगर मान लो टी वन समय से देरी से पहुँचे, क्या करें, देरी से पहुँच गए। ठीक, फिर हम लोगों ने सोचा दूसरे दिन कि हम वाई किलोमीटर से चलते हैं, वाई किलोमीटर प्रति घंटे से चलते हैं, यानी कि जहाँ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बढ़ा देते हैं हम अपने चाल में। तो जब बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के बाद हम लोग T2 समय पहले पहुँचेंगे, पहले या कह सकते हो जल्दी पहुँच गए, अर्ली। ठीक है, अगर हम इतनी जल्दी पहुँच गए तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, इसके बीच की
दूरी क्या होगी हमें ये पता करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमारा एक फार्मूला है, वो है डिस्टेंस डी। हम क्या कहते हैं, एक्स इंटू वाई होल डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई टी वन और टी टू के बीच का अंतर, ठीक है, टी वन और टी टू के बीच का अंतर जिसे हम डेल्टा टी से दिखाएंगे, ठीक है, इनके बीच का जो अंतर होगा वही हो जाएगा हमारा डेल्टा टी, ठीक। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, फिर इस पे बेस्ड इसको और अच्छी तरीके समझने के लिए इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे हम लोग उसे देखेंगे। चलो इसे नोट कर लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं फिर उस हिसाब से आपको समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप घर से कॉलेज के लिए निकले, घर से कॉलेज के लिए निकले, कॉलेज के लिए निकले, ठीक। कॉलेज की और घर, घर से कॉलेज की जो दूरी है वो पता नहीं है तो मान लेते हैं डी, ठीक। और हम लोग निकले कितने किलोमीटर प्रति घंटे से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकले, निकल तो गए लेकिन स्कूल पहुंचने में या कॉलेज पहुंचने में हमें 7 मिनट की देरी हो गई, देरी हो गई, हमें क्लास से बाहर कर दिया गया, ठीक। तो अब उसके बाद हमने कहा कि अब अगले दिन हमें बाहर नहीं होना है, तो हम 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो चलते वक्त हम देखते हैं कि हम 5 मिनट यानी टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गए, पहले पहुंच गए। अब जब पहले पहुंच गए हैं तब हमसे पूछा जा रहा है कि घर से कॉलेज की दूरी बता दो आप, ठीक, घर से कॉलेज की दूरी बता दो। तो क्या करना है, हमने जैसे बताया अभी फार्मूला, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं डी, डिस्टेंस दूरी है। तो उसके बाद ये हो गया 5 × 6, ये हो गया 6 माइनस 5, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर जो होता है स्टूडेंट्स डेल्टा टी, डेल्टा टी ये हो जाता है कि अगर मान लो हम यहाँ है, ठीक है, ये मान लो कोई टाइम है, ज़ीरो टाइम है, और ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ, टाइम लाइन हो गया, ठीक। मान लो 7 मिनट लेट हो गए और 5 मिनट जल्दी पहुँच गए, पहले हम 7 मिनट लेट हो गए और 5 मिनट जल्दी पहुँच गए, और जल्दी पहुँच गए तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी इन दोनों के बीच की जो अंतर होगा वो क्या होगा, इस तरह यहाँ से ये कितना गया 7 और ये कितना गया 5, यानी 7 + 5 = 13, ठीक, समझ में आ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 7 + 5 = 13, ये हो गया अंतर इन दोनों के बीच का, 7 × 5 = 12, क्या बताएं, कैलकुलेशन भी गड़बड़ हो रहा है। चलो 7 × 5 = 12, तो ये हो गया हमारा 12 डेल्टा टी, ठीक। अब 12 मिनट की देरी हो रही है, यानी कि यहाँ पर क्या है मिनट, तो ये भी 12 मिनट की ही देरी होगी, यानी इनका जो अंतर होगा तो मिनट में ही होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 60 से डिवाइडेड बाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 5 बार गया, ठीक, और ये 5 गया इससे, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर की दूरी थी, समझ रहे हो, घर से कॉलेज की जो दूरी थी वो 6 किलोमीटर थी। चलो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, 5%, 1%, 2% कुछ समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, समझ लो। ऐसे ही 2-4 क्वेश्चंस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में भी आएगा और आपके ये खून में उतर जाएगा।
तो आप एग्ज़ाम में जाके उसको उसका खून करके आओगे, क्वेश्चन का खून करके आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी दिल्ली गए हो? मान लो क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग मन में चले जाते हैं इलाहाबाद से, इलाहाबाद से दिल्ली की तरफ, यानी दिल्ली, ठीक। इलाहाबाद से दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो इलाहाबाद से दिल्ली की तरफ जाने के लिए हमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमें चलना होता है। तो पहली जो स्पीड होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। तो चलते 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 हम लोग पहुँचे, कितने मिनट, 20 मिनट की देरी से पहुँच गए। फिर भी हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ पर हम 20 मिनट की देरी से, यानी शादी में खाना वाना खा के 20 मिनट देरी से आप पहुँच गए। सब लोग खा के बैठ गए नाश्ता पानी करके, ठीक, आपको नहीं मिला, तो इस बात का आपको कसर रह गया। और आप लोग अगले दिन दूसरी शादी में निकले, वही जगह इलाहाबाद से दिल्ली, सेम डिस्टेंस, सब कुछ सेम है, ठीक है, 50 किलोमीटर की स्पीड से। नहीं, आज तो छोड़ेंगे ही नहीं, आज नहीं छोड़ेंगे। तो आज 30 मिनट पहले ही पहुंच गए, क्या बात है, जल्दी पहुंच गए आप, 30 मिनट जल्दी पहुंच गए। अब जल्दी पहुंच गए हैं तो उन्होंने पूछा, जब आप पहुंचे वहां पर तो उन्होंने पूछा कितने किलोमीटर की दूरी तय करके आ रहे हो। अब ये तो आपको पता है कि कल जहां गए थे वो भी दूरी, और आज जहां गए हो वो भी दूरी समान है। और जब समान है तो हमें पता तो है नहीं कि कितना है, तो निकाल लेते हैं, भाई इतने स्पीड से आए थे, इतने किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और इतने मिनट देरी और इतने मिनट पहले पहुँचे हैं, तो सॉल्व कर लो। क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा डी बराबर, ये हो गया 30 गुणे 50, फिर 50 में से 30 गया 20, 50 में 30 माइनस कर देते हैं। फिर अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है यानी कि जो डिफरेंस है, अंतर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया 20 और ये हो गया 30, 30 20 50, 50 मिनट, बिल्कुल 30 20 50, क्योंकि 20 मिनट देरी से पहुंचे हैं और 30 मिनट पहले पहुंचे हैं, ठीक है। तो 30 20 50 हो गया, 50 भी मिनट में है तो उसको घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये हो जाएगा हमारा 30 गुणे 50 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो गया हमारा 20, फिर ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब इसे कैंसिल आउट करोगे, 6 पंचे 30, ठीक, 4 पंचे 20, फिर इसे कैंसिल आउट करोगे, दो बार जाएगा, ये जाएगा हमारा कितना 25, ठीक, ये हो गया हमारा टोटल कितना, तो डिस्टेंस बराबर 125/2, ये हो गया हमारा 62.5 किलोमीटर। हालांकि इतनी दूरी है नहीं, ठीक, इससे कहीं गुना ज़्यादा है इलाहाबाद से दिल्ली की दूरी, लेकिन एग्ज़ाम्पल के तौर पे यही इतना है, ठीक, 62.5 किलोमीटर दूरी हम लोग पहुँच गए। चलो आंसर तो मिल गया, अब उनसे बता दिया आपने कि हाँ इतनी दूरी है आपके घर से हमारा घर। चलो तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब आपके IERT के 2012 में या 13 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं, वो भी सेम क्वेश्चन है ऐसे ही, इसलिए मैंने कहा एक बार और दिखा देते हैं आपको, ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ जाए। ये क्या कह रहा है कि घर से कार्यालय, एक व्यक्ति है, एक अगर आपकी जॉब लग गई, सरकारी जॉब लग गई, तो आप घर से कार्यालय की ओर जाएंगे, ये हो गया आपका घर और ये हो गया आपका कार्यालय, यानी कार्यालय मतलब जहां आप काम करते हो, ठीक, विद्यालय जहां आप विद्या लेते हो, ठीक,
घर और कार्यालय। अब वो बंदा घर से निकला, यानी आप घर से निकले 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और वहाँ पहुँचे 15 मिनट की देरी से पहुँचे। आपके बॉस ने आपको झाड़ा, आपको क्या किया, डांट लगाई, देरी से पहुँचे। क्यों देरी से पहुँचे भाई? अब इनकी डांट सुननी नहीं थी, इस वजह से आपने कहा 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने का मतलब क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। बढ़ने के लिए फिर उससे पहले आप 30 मिनट में पहुँच गए, क्या बात है, आज पहले पहुँच गए 30 मिनट। तो आपने बॉस को लताड़ दिया, आपने बॉस को कह दिया आप लेट आ रहे हो। चलो कोई बात नहीं, कितनी दूरी है आपके घर से कार्यालय की बता दो, कितनी दूरी है, दूरी कितनी है, 4 × 5, 5 − 4 1 हो गया, फिर ये हो गया, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, ये लेट है और ये पहले है, इसका मतलब है 15 और 30 को जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा, 45, तो ये हो गया। और 45 ये मिनट में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, तो ये 4 से 4 गया, टोटल हो गया 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर दूरी से आप जा रहे थे, क्या कह रहे हो, सही है, बढ़िया चल रहा है। चलो ये तो आपके IERT के क्वेश्चंस हैं। इस तरीके से आपके IERT में बहुत ही सिंपल होते हैं, लेकिन बस थोड़ा समझ का फेर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का। इसमें भी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। भाई आप और आपके दोस्त आप चले 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और आपका दोस्त चला 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, प्रति घंटे के हिसाब से चला। अब हमें डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, पहुंच तो गए, मान लो डेस्टिनेशन आपका है ये आपका घर या फिर आपका कॉलेज, ठीक, पहुंचे, साइकिल से पहुंच रहे हैं, लेकिन आप दोनों के जो पहले और बाद में पहुंचने का जो डिफरेंस है वो 16 मिनट है। वो क्या है, 16 मिनट, यानी कि आप 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चले तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो बंदा चला है उससे आप 16 मिनट लेट हो, समझ रहे हैं, उससे आप 16 मिनट लेट हो। तो चलो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया है डेल्टा टी, और हमें क्या पता चल गया है, एक्स और वाई। और x और y जब हमें पता चल गया है, डेल्टा t पता चल गया है, तो हमें डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डिस्टेंस क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा x इंटू वाई, यानी कि ये हो जाएगा 15 × 16 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 16 में से 15 गए, बचा 1, और फिर इसके बाद ये हो गया 16 मिनट, 16/60, तो ये हो गया 15 × 4 = 60, ये 4 से काटोगे 4 बार जाएगा, और ये फाइनल आ जाएगा कितना आपका 1, ये हो गया 16 × 64, यानी 64 किलोमीटर आप दूर गए हो साइकिल से, क्या बात है, इतनी मेहनत। चलो खैर आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने करा दिए हैं, तो अब ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ख़त्म। तो अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट यानी रेलगाड़ी या नाव पे बात करेंगे अगले क्लास में, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।